गाइस नेक्स्ट डे अगले दिन हम ये सब सामान हमन लेके हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी टाइम हुआ है 8:30, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जौलजीबी। और आपको पता होगा ये नवंबर का महीना है, तो इस महीने में 14 तारीख से जौलजी मेला स्टार्ट होता है। तो गाइस इस बार हम भी सोच रहे हैं कि वहाँ मतलब दुकान खोला जाए, तो गाइस हम वहाँ चाउमिन मोमोज वाला दुकान खोल लें शायद होटल। तो गाइस हम वहाँ पे होटल खोल लें, तो हमने सोचा कि मतलब इस बार हम भी वहाँ दुकान खोले। सो अभी हम जा रहे हैं जौलजीबी और हम वहाँ जगह अपना दुकान का जगह कैप्चर करने जा रहे हैं, जगह पकड़ने जा रहे हैं अपने होटल का। सो अभी मैं रेडी होता हूँ, मम्मी और छोटा भाई और मैं जा रहे हैं। तो अभी मैं रेडी होता हूँ, फिर आपको आगे मिलता हूँ। मैं रेडी होके फिर चलते हैं हम जौलजीबी की और आपको दिखाते हैं वहाँ कैसा माहौल चल रहा है। सो आपको भी दिखाते हैं वहाँ। सो चलिए अभी मैं तैयार होता हूँ जल्दी से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने मतलब हाथ मुँह धो लिया है थोड़ा मतलब। सो गाइस अब हाथ मुँह धो लिया है, अब तैयार होते हैं, कपड़े पहनते हैं। और मैं अपने कपड़े में रेडी निकाल चुका हूँ, ये है वो, अभी तैयार हो गया पहनते हैं। तो गाइस हम तैयार हो चुके हैं और मम्मी भी रेडी हो गई है और छोटा भाई भी रेडी हो गया। तो हम अब चलते हैं, अब हम 5-10 मिनट में निकल रहे हैं। तो गाइस अब मिलते हैं आपको रास्ते में और वहीं भी देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, मतलब कितने लोग आए हैं, क्या हो रहा है। वैसे आज 10 तारीख को मतलब वहाँ बुलावा था कि मतलब अपना अपना ज़मीन में नाम हम लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मतलब। तो मम्मी भी आ चुकी है हमारी, ये रेडी। तो अब निकलते हैं हम, चलते हैं। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं, तो पीछे मेरा घर हो, तो अभी हम जा रहे हैं आगे को, मतलब मैं जा रहा हूँ सिंगल। तो मैं पहुँच गया हूँ, हम जा रहे हैं बाइक में। ये मेरी स्कूटी है, मतलब हाँ मेरी स्कूटी है ये, और सामने बाइक। तो बाय। सो गाइस आप ये देख रहे हो पूरी तैयारी चल रही है मेले की, और ये सामने स्टेज है। अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ टाइम बाद देखना आप कैसा दिखेगा ये। सो आप सामने देख सकते हो यहाँ मेले की पूरी तैयारी चल रही है। ये जो बन रहा है वो दुकानें की तैयारी, दुकान बन रहा है कि तैयारी कर रहे हैं सब अपना अपना। देखेगा इस पूरा सामान आ चुका है यहाँ लोगों के दुकानों का। अब अभी ऐसा दिख रहा है, कुछ टाइम बाद बहुत ही अच्छा दिखेगा, ये एक नज़ारा टाइप का देखने लायक होगा। तो आप देखिएगा, अब हमें देखते हैं कहाँ मिलता है। तो ये गली टाइप होगा जो आपको ये दिख रहा है, गली है। ओके गाइस सब अपने अपने जगह पकड़ के, मतलब जो पुराना उनका जगह था वो सब अपना अपना जगह पकड़ के सब अपने काम पे लगे। देखिए तो गाइस इतने ज्यादा जने क्यों लगे, क्योंकि
ये मेला जो है वो 10 दिन के लिए होता है और बहुत बड़ा मेला माना जाता है इसे। चिल्ला पिथौरागढ़ का मतलब जौलजीबी में सबसे बड़ा मेला माना जाता है, 10 दिन का होता है जो। और देखिए ऊपर पुल भी है, नेपाल जाने का रास्ता, बहुत लंबा पुल है। तो देखिए आप। सो गाइस फाइनली ये दो बल्ली हमने लगाए यहाँ पे, दो पोल, ये भी लगाया और ये भी। सो गाइस फाइनली बहुत से लोगों ने अपना अपना दुकान बना लिया है, देखिए। सुबह पूरा खाली था, अभी फिलहाल बहुत से लोगों ने बना लिया अपना दुकान। सुबह हम 10 बजे आए, अब हम जा रहे हैं, अभी टाइम हुआ है लगभग 4 बजे। तो गाइस सुबह से लेकर अभी तक 4 बजे हैं, बहुत हालत डाउन हो गई है। अब हम जा रहे हैं घर की ओर, धारचूला। तो गाइस देखिए ये मेरा भाई, हमने ये होटल के लिए, हाँ मिस्टर सीनू व्लॉगर, सभी को पता ही हुआ। और ये हम अपने होटल के लिए हमने ये बांस काटा, और ये जो कि ये बांस हमारे ही घर के वहाँ पे है बगल में, बहुत बड़ा सा है। और ये हमारे पापा, देखो हमारा घर ये है, अभी घर उदड़ गया है यहाँ पे। वो आगे सामने जो पोल दिख रहा है खम्बा, उसके बगल में ही बना रहे हम अभी नया घर। तो अभी वहाँ निकल, यहाँ उधर के है, तो अभी ये बांस है जो कि हमारे घर के बगल में था, इसलिए हम इसे होटल बनाने के लिए एक दो काट के ले गए, एक ये दो। ओके मिलते हैं अब वहीं पे ही होटल में जब हम बना रहे होंगे तब। तो हेलो गाइस, नेक्स्ट डे, अगले दिन हम ये सब सामान हमन लेके गए। ये देखिए हम बांस का लकड़ी लेके जा रहे हैं, अब फील आ रहा है मतलब थोड़ा बहुत। और पीछे हमारे मामा जी देखिए। तो आपको अगले दिन का नजारा दिखाता हूँ यहाँ का बैक कैमरे से। सो गाइस देखें यहाँ पे हर किसी ने दुकान खोल दिया है, पूरा मतलब हो ही गया है, लगभग सब काम हो चुका है। देखिए पहले स्टार्टिंग दिन में कैसा था और अब कैसा है, देखिए। और हम अपने दुकान में जा रहे हैं, ये देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है, देखिए। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये अनु बॉय और ये हमारे मामा, हम बना रहे हैं यहाँ अपना दुकान। और ये पीछे महारानी बैठी है, और मेरी मम्मी को धूप लग रही है और थक गई है मम्मी, तो मम्मी ये बैठी है यहाँ पे। मम्मी हेलो यार, ये हमारी मम्मी बैठी है। तो अभी हम दुकान बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी दुकान पहले रेडी करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस हम ये सारे सामान जॉर्जी मेला लेके जा रहे हैं, जो कि होटल का सामान है, देखिए दो दो सिलेंडर, बहुत बवाल है, बवाल एकदम, बहुत सामान है, बहुत बवाल हो रहा है सामान लेके, बहुत ज़्यादा सामान है, क्योंकि अभी गाड़ी बुकिंग के लिए भेजा है, उसके बाद इसको हम गाड़ी में रख के लेके जाते हैं। देखिए क्या क्या है हमारे पास,
जार, और ये सामान है, ये चूल्हा है, और ये टेबल, बैग, दो सिलेंडर। देखिए सो गाइस, देख सकते हैं आप, ये हमारा दुकान है, होटल, जो कि अभी तैयार हो रहा है। ये सामने और ऊपर पुल, यहीं से सामने से यहाँ से दो तीन दुकान छोड़ के हमारा नंबर है, तो आप आ सकते हो यहाँ चाउमीन मोमो खाने। सो गाइस, देखे लगभग हमारा टेंट बन चुका है, मतलब दुकान होटल, अब कल से स्टार्ट है, कल उद्घाटन है इसका 14 नवंबर को, फिर 14 से 24 नवंबर तक होगा ये मेला, जौलजीबी मेला। सो गाइस, देखिए फाइनली हमारा दुकान बन गया है, मतलब हमारा होटल। तो अब हम जा रहे हैं दारचूला, तो मम्मी बता रही है, उसको समझा रही है, अनु को समझा रही है कि मतलब रात को अच्छे सोना, यहाँ मतलब हर जगह से बंद करना। तो अब हम जाते हैं दारचूला की ओर, अब हम जाएंगे यहाँ से आगे, और ऊपर पुल दिख रहा होगा आपको। सो गाइस, फाइनली बन चुका है, तो अब हम चलते हैं दारचूला की ओर। क्या बता, बाइक में जाएंगे, बहुत ठंडा होने वाला है, वो तो मैंने पतला कपड़ा पहना है, तो हम चलते हैं। अनु, कल भी गुड नाइट, हम चलते हैं, ठीक है? गुड नाइट यार। ओके, छोड़ के जा रहे हो अकेले, कोई बात दाई, ठीक है फिर, ओके, गाड़ी उधर रख के आता हूँ। तो गाइस, अभी हम चलते हैं रोड में, अभी उसके बाद वहाँ से दारचूला, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल उद्घाटन है 14 तारीख को, 14 नवंबर, तो कल मिलते हैं कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेले से ऊपर को आ रहे हैं, पीछे दिख रहा होगा आपको।